दोस्तों, आप अपने आसपास नॉर्मल लोग तो रोज ही देखते होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे इंसानों से मिलाने वाले हैं जिनके फिजिकल फीचर्स हम और आप जैसे लाखों नॉर्मल इंसानों से बिल्कुल अलग हैं। जैसे किम गुडमैन की बाहर निकलने वाली बड़ी बड़ी आंखें और शेन डुआनशी की उल्टी टांगे। और तो और, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी इंसान की बॉडी पर दो से ज्यादा निपल्स भी हो सकते हैं? चलिए जानते हैं। किम गुडमैन को इस दुनिया की सबसे बड़ी आंखों वाली लेडी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आंखें ह्यूमन बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन्स में से एक होती है, जो वाकई असल में एक सेंसिटिव पार्ट होती हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई अपनी आंखें आई सॉकेट में से एबनॉर्मल लेवल तक बाहर निकाल सकता है? असल में किम गुडमैन एक ऐसी इकलौती लेडी है जिनकी आंखें सबसे बड़ी मानी जाती हैं, और वो अपनी आंखों को आई सॉकेट में से 12 mm तक बाहर निकाल सकती हैं। जी हां दोस्तों, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। किम अमेरिका के शिकागो शहर में रहती हैं। दोस्तों, किम को अपनी इस एबिलिटी के बारे में बचपन से पता नहीं था, बल्कि उन्हें अपनी आंखों की ये एबिलिटी एक एक्सीडेंट के दौरान पता चली थी, जब उनके सर में बहुत तेज चोट लगी थी। किम की इस एबिलिटी के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। मार्क वॉलबैग एक अमेरिकन एक्टर और बिजनेसमैन है। मार्क को अपनी एक्टिंग के लिए बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं, और मार्क इसके लिए लोगों के बीच बहुत मशहूर है। लेकिन दोस्तों, मार्क इसके अलावा एक और स्पेशल बॉडी फीचर की वजह से चर्चा में रहते हैं। असल में दोस्तों, मार्क के चेस्ट पर 2 नहीं बल्कि 3 निपल्स हैं। जी दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। मार्क के राइट चेस्ट पर असल में 2 निपल्स एक दूसरे के नीचे हाईलाइटेड हैं। मार्क को अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत में इस तीसरे निपल की वजह से बहुत एम्बैरेसमेंट महसूस होती थी, जिस वजह से उन्होंने इसे हटाने का भी फैसला ले लिया था। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ मार्क ने अपने इस तीसरे निपल को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद वो इसे फ्लॉन्ट करने से बिल्कुल भी नहीं शर्माते हैं। आपको बता दें कि 2 से ज्यादा निपल होने वाली कंडीशन को सुपर न्यूमररी निपल कहते हैं। सुपर न्यूमररी निपल एक तरह का बर्थ और जेनेटिक डिफेक्ट होता है, जो पूरे वर्ल्ड की लगभग 2% पॉपुलेशन में पाया ही जाता है। एबिगेल हैंसल एंड ब्रिटनी हैंसल, आपने बहुत से जुड़वा भाई और बहनों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको जिन 2 जुड़वा बहनों के बारे में बताने जा रहे हैं, उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये है एबिगेल हैंसल एंड ब्रिटनी हैंसल। ये दोनों जुड़वा बहनें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। ये ट्विंस असल में बहुत ही यूनिक हैं, क्योंकि जब आप इन्हें गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों का शरीर जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एबिगेल और ब्रिटनी के पास अपने सेपरेट स्टमक, हार्ट, स्पाइन, किडनीज और लिवर हैं, जिस वजह से ये दोनों अपनी अपनी पसंद का खाना खा सकती हैं। लेकिन इन दोनों के पास सिर्फ 2 हाथ और 2 ही पैर हैं, इसीलिए किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है, ताकि ये हर काम को सही से कर पाएं। जीसस फहाडो। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान के चेहरे पर भी बाल हो सकते हैं? आपको इमेजिन करने में ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों, मेक्सिको के रहने वाले जीसस फहाडो के चेहरे पर असल में बहुत ज्यादा बाल हैं। दरअसल दोस्तों, जीसस को हाइपरट्रिकोसिस नाम की बीमारी है। इस बीमारी में इंसान के किसी भी बॉडी पार्ट पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लगती है। जीसस फहाडो को इस बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा हैरेसमेंट झेलनी पड़ती थी, बल्कि बुलिंग से तंग आकर उन्होंने अपना स्कूल तक छोड़ दिया था, जिसके बाद जीसस ने एक सर्कस में काम करना शुरू कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग जीसस फहाडो को वुल्फ मैन के नाम से भी बुलाया करते थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि वक्त के साथ सब कुछ सही लगने लगता है, तो ऐसा ही कुछ जीसस के साथ भी हुआ। उन्होंने भी कुछ वक्त के बाद अपने इस रूप को एक्सेप्ट कर लिया था, और आज वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। मैंडी सेलर्स। मैंडी सेलर्स का जन्म 1975 में ब्रिटेन में हुआ था। मैंडी का जन्म एक बहुत ही अजीब जेनेटिक म्यूटेशन के साथ हुआ था, जिस वजह से उनके दोनों पैर जरूरत से बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे। मैंडी की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके पैर और भी ज्यादा बड़े होते चले गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंडी के पैरों का वजन उनकी अपर बॉडी से लगभग 3 गुना ज्यादा है, जिस वजह से मैंडी को चलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मैंडी की इस रेयर डिजीज ने उन्हें एक स्टार ही बना दिया है, क्योंकि उन्हें अक्सर किसी न किसी टीवी शो पर रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि मैंडी की इस रेयर डिजीज को प्रोटियस सिंड्रोम कहते हैं। स्टडीज के मुताबिक ये सिंड्रोम आज तक 120 लोगों में ही पाया गया है। टॉम स्टनीफोर्ड। ये टॉम स्टनीफोर्ड है, जो एक पैरासाइक्लिस्ट है। दरअसल दोस्तों, टॉम MDP सिंड्रोम से ग्रस्त है। MDP सिंड्रोम की फुल फॉर्म मैंडिबुलर डिस्प्लेसिया विद डेफनेस एंड प्रोजीरॉइड फीचर्स होती है। ये एक तरह का मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है, जो शरीर के अंदर फैट को स्टोर होने ही नहीं देता है। टॉम की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम है। MDP सिंड्रोम बहुत ही रेयर डिजीज है, जो आज तक सिर्फ 12 लोगों में ही देखा गया है। टॉम अपने जन्म के वक्त एक नॉर्मल बेबी की तरह ही थे, लेकिन जब वो 12 साल के हुए तो उन्होंने अपना वजन खोना शुरू कर दिया। इस MDP सिंड्रोम की वजह से टॉम को सही से सुनाई तक नहीं देता है, जिस वजह से टॉम को हियरिंग एड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉम को टाइप 2 डायबिटीज भी है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंस्पायर करने वाली बात यह है कि इतनी फिजिकल डिसेबिलिटी के बाद भी टॉम ने कभी हार नहीं मानी। वो आज पैरा ओलंपिक्स में साइक्लिस्ट हैं। जूलिया ग्नूज।
इस वीडियो में जिसे आप देख रहे हैं उनका नाम जूलिया गनूस है। आपको लग रहा होगा कि जूलिया एक बहुत बड़ी टैटू लवर है, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। असल में जब जूलिया 30 साल की थी तब उन्हें एक तरह का स्किन इन्फेक्शन हो गया था जिसका नाम पोर्फीरिया है। पोर्फीरिया एक तरह का स्किन डिसऑर्डर होता है जिसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर पोर्फीरिया नाम का केमिकल स्किन के अंदर बनने लगता है जिससे अल्टीमेटली सन के कांटेक्ट में आते ही स्किन जलने लगती है। जब जूलिया की स्किन पर सनबर्न के निशान होने लगे थे तो उन्होंने अपनी बॉडी पर टैटू बनवाना शुरू कर दिया था, लेकिन टैटू बनवाने से भी जूलिया अपनी स्किन को जलने से नहीं बचा पा रही थी। धूप से बचने की कोशिश में जूलिया ने अपनी पूरी बॉडी पर ही टैटूज बनवा लिए जिस वजह से उनका नाम सबसे ज्यादा टैटू बनवाने वाले इंसान की कैटेगरी में शामिल किया गया था। जूलिया गनूस अब इस दुनिया में नहीं है। 11 अगस्त 2016 में जूलिया की डेथ हो गई थी, लेकिन 2015 में ही जूलिया ने लेजर ट्रीटमेंट से अपने टैटूज को हटवाना शुरू कर दिया था। जूलिया को लोग अक्सर द इलस्ट्रेटेड लेडी के नाम से भी बुलाते थे। सजाद गरीबी। सजाद गरीबी ईरान के रहने वाले हैं। सजाद एक बॉडी बिल्डर और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं। इनका जन्म 1991 में हुआ था और साथ ही ये 6.2 फीट लंबे हैं और इनका वजन लगभग 386 पाउंड्स है। दोस्तों सजाद का शरीर नॉर्मल लोगों से बहुत अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सजाद को ईरानियन हल्क और पर्शियन हरक्यूलीज भी कहते हैं। ये हमेशा से रेसलिंग में शामिल होना चाहते थे। इनकी बढ़ती मशहूरता को देखते हुए बहुत से लोगों ने उन्हें रेसलिंग के लिए चैलेंज भी किया था, जिसके बाद सजाद ने 31 जुलाई 2022 को पहला डेब्यू बॉक्सिंग मैच खेला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये मैच हार गए थे। सजाद ने अपनी कंट्री की आर्मी में भी शामिल होने की इच्छा जताई थी, मगर सजाद का शरीर बचपन से ही इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके वर्कआउट से उनका शरीर ऐसा बन गया है और इसी शरीर ने उन्हें इतना मशहूर किया है। शेन ट्वानजी। दोस्तों शेन ट्वानजी का जन्म चाइना में हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि शेन ट्वान का जन्म एक रेयर डिसेबिलिटी के साथ हुआ था, जिस वजह से शेन की टांगे पीछे की तरफ मुड़ने के बजाय आगे की तरफ मुड़ी हुई थी, मानो जैसे उनकी लोअर बॉडी गलती से उल्टी जोड़ दी गई हो। अपनी इस डिसेबिलिटी की वजह से शेन चली नहीं पाती थी। शेन को चलने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिस वजह से उनके गांव के लोगों ने उन्हें क्रॉलिंग गर्ल बुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे शेन की स्टोरी लोगों के बीच फैली तो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज ने उनके ट्रीटमेंट के लिए डोनेशन दिया, जिसके बाद लगभग 22 साल की उम्र में शेन ने अपना ट्रीटमेंट करवाया और वो पहली बार अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। दोस्तों ये ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं था, इसके लिए शेन ने बहुत ज्यादा दर्द सहन किया था। लिजी वेलास्केज। इस लेडी का नाम लिजी वेलास्केज है। आपको देखकर लग रहा होगा कि ये बहुत ओल्ड एज है, लेकिन ये सच नहीं है। लिजी की उम्र सिर्फ 33 साल है। दरअसल दोस्तों लिजी का जन्म एक बहुत ही रेयर कंजेनिटल डिजीज के साथ हुआ था, जिसका नाम माफेनॉइड प्रोजीरोइड लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम है। ये डिजीज ज्यादातर प्री मैच्योर बर्थ के केसेस में पाई जाती है। इस सिंड्रोम से ग्रस्त लोग कभी भी फैट गेन नहीं कर पाते, बल्कि उनके फेशियल फीचर्स भी बहुत जल्दी बूढ़े लोगों जैसे दिखने लगते हैं। यही वजह है कि लिजी अपनी टीनेज में भी बहुत ओल्ड दिखने लगी थी, बल्कि उन्होंने इस बीमारी की वजह से बहुत बुलिंग को भी सहा है। लेकिन दोस्तों लिजी ने इन सब चीजों की वजह से हार नहीं मानी, बल्कि इस बुलिंग को झेलने के बाद ही उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फैसला किया था। अपनी मेहनत से लिजी आज एक ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, एक्टिविस्ट और यूट्यूबर हैं। तो दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।